समय नहीं है। एक्चुअली यह प्रॉब्लम अकेले आपकी नहीं है, ये दुनिया में हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है। क्या? समय नहीं है। सही है, मेरे पास भी नहीं है, फिर भी मैं आपके पास बैठा हूं 2 घंटे से। टाइम मेरे पास भी नहीं है। आप बोले टाइम नहीं है कि 2 घंटे से आप मेरी बात सुने जा रहे हो, मैं जवाब देता जा रहा हूं, आप सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब देकर सेटिस्फाइड भी कर रहा हूं। 2 घंटे हो गए, इतना ही समय सबके पास है। ये 2 घंटे भी मैंने मेरा कोई काम छोड़ा है, आपने भी आपका कोई काम छोड़कर क्या बैठे हो? तो एक ही बात समझिए, पहले समय के ऊपर हमेशा एक काम छोड़कर के एक काम किया जाता है। ये इंसान पे डिपेंड करता है किस काम को इंपोर्टेंस देता है। फ्री कोई नहीं है, वेला कोई नहीं है, बात समझिए। अब रही बात समय की, आपने एक सवाल वाला जी समय नहीं है, एक छोटा सवाल पूछूं भाई साहब? अच्छा मुझे ये बताएंगे आप समय क्यों नहीं है आपके पास? काम ही इतने हैं जी, समय ही नहीं है। राइट, पहले तो हाथ मिलाओ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे ये सवाल सुन के, जवाब सुन के। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर आप बोलते हैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं आपसे 5 मिनट बात भी नहीं करता, भाग जाता। पता है क्यों? क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, कुछ बड़ा काम करना होता है, वो बिजी होते हैं। और जो साले हरामखोर निकम्मे होते हैं, धरती पे बोझ होते हैं, वो वेले मिलते हैं। और इस दुनिया में जिनके पास समय नहीं है, जो बहुत बिजी हैं, उन्होंने दुनिया को चला करके रखा है, बाकी तो बोझा ढो रहे हैं पीछे पीछे। तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जो बहुत बिजी है, जिसके पास समय नहीं है। तो ये मेरी बड़ी खुशी की, मेरे लिए खुशी की बात है। और आप भी एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिसके पास एक एक मिनट बुक है, और मैं आपके 2 घंटे से बैठा हूं। इस बात का एहसास आपको भी कुछ दिन में हो जाएगा कि आपने कितनी कीमती समय को ले लिया है। तो समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, और कुछ अच्छे से अच्छा अर्न करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने आप को बिजी से बिजी रखना चाहते हैं। तो हमें चाहिए पैसा, उसके लिए करना पड़ेगा काम, तो काम के लिए लगाना पड़ेगा समय। तो समय काम काम काम, अपन बिजी हो चुके हैं। सही बात है। और ये पैसा क्यों नहीं है? ये पैसा नहीं है क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस पे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझाना चाहूंगा। अब यहां इसे समझो पेपर पे, टाइम इज मनी का फॉर्मूला। क्या समझो? टाइम इज मनी का फॉर्मूला, जो सर ने समझाया था कल, टाइम इज मनी का फॉर्मूला। भाई दुनिया में बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? टैलेंट, टाइम और मैन पावर। ये तीनों चीज सेल परचेज होती हैं। क्लियर है बात? तो हमने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा काम नहीं कर लिया है जिससे कि हमारी जिंदगी में टाइम मल्टीप्लाई हो पाए। पहले समझाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला समझाने के बाद फिर जो एग्जाम्पल कि आप अगर 90 साल जिंदगी जीते हैं, 90 × 365 और 365 × 40 24 आवर्स इजिकल टू बन जाएगा 7,88,400 घंटे समथिंग। अगर यही काम अंबानी करता है, 1,00,000 लोगों से काम लेता है, 1,00,000 × 8 घंटे 8,00,000 घंटे 1 डे। तो जितना काम आप पूरी लाइफ में करते हो उससे ज्यादा काम अंबानी एक दिन में कर लेता है। तो जितनी इनकम आपकी पूरे जिंदगी की है उससे कहीं ज्यादा इनकम उसकी एक दिन की है। बड़ा कौन? बड़ा कौन? नो, बड़ा ये समाज, जिसके पीछे समाज, जिसके नीचे समाज, वही दुनिया में बड़ा है। आपके आगे पीछे को समाज ही नहीं साला, हम कौन है? आम आदमी। इसलिए समय भी नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो यह फॉर्मूला, यह सिस्टम और यह SLEPS आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहां पे आप अपनी जिंदगी में ये मैन पावर, टाइम और टैलेंट फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हो। और आने वाले वक्त में आप बोल सकते हो कि समय ही समय है। जितने मेरे कंपनी में डायमंड्स लीडर्स हैं, इन सबके पास भी समय नहीं होता था। इन्होंने डिसीजन लिया, एक डिसीजन लिया क्योंकि ये चाहते थे कि एक दिन हम यह बोल पाए कि मेरे पास समय है। आज ये हमारे कुलदीप मुद्गिल जी, महिपाल जी, अनिल यादव जी, इनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 24 घंटे को मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर डाला। आज इनकी हजारों की टीम हो चुकी है। अगर 100-100 लोग भी काम करें के घंटा भी, तो 100 घंटे इनके लिए काम हो जाता है। ये जिंदगी में कहीं भी बिजी रहते हैं, सही है। लेकिन मुझे पता है ये फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। और आपकी लाइफ का समय नहीं है, यह प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं लोगे, आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व नहीं करना चाहोगे। मेरा लास्ट एक ही सवाल है भाई साहब, सवाल ही जवाब है ये मेरा कि आप बताइए, आपने मुझे तो बोल दिया कि भाई साहब काम तो अच्छा है,
आइटम भी अच्छा है, मैं काम तो कर लूंगा लेकिन समय नहीं है। मेरा फर्क क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, चाय मैंने आपसे पी ली, पानी आपसे मैंने पी लिया, मैं हाथ मिलाऊंगा आपको, ओके थैंक यू बाय बोल के निकल जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है मेरी सेहत पे? आपके समय नहीं है बोलने पे, अब इमोशनल है। अब पहले दिए लॉजिक, अब इमोशनल। क्या फर्क पड़ता है मेरी सेहत पे दोस्त आपके यह बोलने से कि समय नहीं है? Yes. कोई फर्क पड़ता है? No. क्योंकि मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए जिसके पास समय है और जो काम करे वो कमाएगा, मुझे भी कमा के देगा। Yes. आपसे हाथ मिला के निकल जाऊंगा। लेकिन प्रेम जी, Yes. मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जाने के बाद एक बार सोचिए, यह जवाब देने से समय नहीं है, यह सवाल का जवाब बोलने से Yes. किसी को फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पड़ता लेकिन किसी को पड़ता है। किसको? याद करना, कभी हमें हमारे माँ बाप ने इसलिए पैदा किया था कि जिंदगी में जब वो काम ना कर पाएंगे, हम और अब जवान होंगे काम करेंगे। और आज अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हो, पैसे कमाने के लिए इतने बिजी हो चुके हो कि लास्ट टाइम कभी आपको याद आए, शायद याद करना, आपकी माँ ने बोला बेटा प्रेम मुझे वहां जाना है, शादी में जाना है, मुझे पुराने तीर्थ यात्रा घूमने जाना है। आपने पलट के एक झटके में जवाब दिया, माँ टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूं, जब फ्री होऊंगा देखूंगा। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपके साथ यहां से, लेकिन माँ कहां से है? उसने उम्मीद करके बच्चे को बोला था कि मेरी औलाद है, जो बोलूंगी वो करेगा। और औलाद ने क्या जवाब दिया? टाइम नहीं है मेरे पास। सर आपने पलट के पूछा नहीं उस माँ से, कितनी उम्मीदें टूट गई होंगी, कितना दिल दुखा होगा, उम्मीद से बोला था और हमने झटके में खटा, टाइम नहीं है बोल के काट दी उम्मीद। मेरी आपसे उम्मीद नहीं है कोई, उसकी है। मैं माँ नहीं हूँ आपकी, पर वो है। मुझे तकलीफ नहीं हुई सवाल से, पर उस माँ को हुई है। और यह जवाब हम एक बार नहीं प्रेम साहब, न जाने कितनी बार ऐसे जवाब दे चुके हैं। तकलीफ होती है सर। एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा सवाल, रो देगा यहां तो। ये तकलीफ होती है प्रेम जी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बोल दिया समय नहीं है मेरे पास, लेकिन लेकिन याद करना, कभी आपकी बीवी आपकी उम्मीद पे आपके साथ आई है, क्योंकि शादी से पहले आपकी बीवी नहीं थी, वो शादी हुई उम्मीद पैदा हुई। उम्मीद कौन? मिस्टर प्रेम, उम्मीद से आई थी। और कभी जिंदगी में ऐसा हो चुका है बहुत बारी कि बीवी बोलते जी सुनते हो, हाँ जी बोलो डार्लिंग मार्केट चलना है, आपने पलट के जवाब दिया, थोड़ा दिमाग खराब है, टाइम नहीं मेरे पास, ये पकड़ पैसे ले जा। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, वो पैसे नहीं खाती है, पैसे कुत्ता भी नहीं खाता साला, इंसान भी नहीं खाता, लेकिन उसे पैसे वाला इंसान उसका पति चाहिए था साथ जाने के लिए। जिंदगी की आपकी पिछले 12 साल शादी को हो गए, आई थिंक 12 साल में याद कीजिए कितनी बार साथ मूवी देखने गए हो, कितनी बार घूमने गए हो, कितनी बार आप बैठ के लाइफ डिस्कस कर पाए हो। क्यों? टाइम नहीं है आपके पास। आपने पलट के जवाब दे दिया, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या बीती होगी उसके दिल पे प्रेम साहब? उम्मीद से बोला था आपको एक घंटा, आपने एक सेकंड्स में उसकी उम्मीद तोड़ दी, समय नहीं है मेरे पास। बैठू मैं इधर, इधर अभी पूरा नहीं हुआ है ना, सुनिए अभी पूरा नहीं हुआ भाई साहब, अभी पूरा नहीं हुआ है। सही है, क्या बोला? उम्मीद थी रुकेश था, लेकिन आपने एक झटके में तोड़ दी उम्मीद। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जवाब देकर के निकल गए ऑफिस में। दोस्त फर्क तो बीवी को पड़ा जिसकी उम्मीद टूट गई, आपने वो सिचुएशन देखी नहीं और आप देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह सिचुएशन आपको महसूस कराती है कि आप रिश्तों में फेल हो। और कोई भी इंसान अपने आप को फेलियर नहीं देख सकता, इसलिए हम निकल जाया करते हैं। अरे इसको छोड़िए भाई साहब, कभी जिंदगी में ऐसा आपके हाथ में हो चुका है कि बच्चा बोलता है पापा? हाँ बेटा। जो बच्चा बोल दे बाप पूरा करना चाहता है। बच्चे ने बोला पापा? बोलो बेटा मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, सबके हाथ में हो चुकी है, तो मुझे आप चाहिए।
आपने क्या जवाब दिया? बेटा मम्मी को ले जाना, पापा के पास टाइम नहीं है। वो बच्चा उम्मीद लेकर के आया था आपके पास, उसके बाप थे। उम्मीद पे आपने एक सेकंड्स में, अरे इतने इतनी स्पीड से तो एक कसाई बकरे के गर्दन नहीं काटता जितनी स्पीड से तुमने उस बच्चे और बीवी की उम्मीद पे खटाक आपने चाकू चला डाला, काट दिया। टाइम नहीं है, मम्मी को ले जाना। आप कभी जिंदगी में दोबारा पलट कर उस बच्चे की आंख में आंख डाल करके आपने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते भाई साहब। वो आंख एहसास कराती है, वो आंखें छोटी सी बोलती नहीं है, लेकिन वो आंखें दिखाती हैं कि आप एक बाप थे और आप एक उम्मीद थे, और आज तक वो पूरी नहीं कर पाए। दोस्त मेरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आपने बोला समय नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? मैं आपका बाप हूं, मैं आपकी बीवी हूं, मैं आपकी औलाद हूं, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? हाथ मिलाऊंगा निकल जाऊंगा, मुझे कौन चाहिए जिसके पास समय है? हाथ मिला के निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्त एक बार सोचना जिंदगी में, समय नहीं। आप आज तक एक ही बात बोलते आए हो, बार बार बोलते हैं, क्यों? कि चला पैसा नहीं है। नहीं, आप भी बीवी को टाइम देना चाहते हो, आप भी माँ को टाइम देना चाहते हो, आप भी बच्चों को टाइम देना चाहते हो, आप भी दोस्तों को टाइम देना चाहते हो, आप भी खुद को टाइम देना चाहते हो, किसी को नहीं दिया। क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए इतने मजबूर हो चुके हो, इतने बिजी हो चुके हो, क्योंकि आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए, समय नहीं है, रिश्ते भूल चुके हो बाबू। इसलिए बिजनेस करने का, कभी जिंदगी में साथ अगर 2 साल काम कर लिया मेरे साथ तो बोलोगे टाइम बहुत है। अब 2 घंटे बैठा हूँ इसमें, 2 घंटे से मैं आपके साथ बैठा हूँ और 2 घंटे बात कर, मेरे पास है ना टाइम, कहाँ चलना चलूँ? क्योंकि मेरे साथ हिंदुस्तान में 30,000 लोग काम कर रहे हैं भाई साहब। कितने? 30,000 लोग काम कर रहे हैं। मत ज्वाइन कर, मत पैसा दे मेरे को, और 2 घंटे बैठ। मेरी फैक्ट्री बंद नहीं होने वाली, मेरी बीवी नहीं भाग रही यहां से, मैं फरी हूं, लेट तू हो रहा है, लेट मैं नहीं हो रहा। इसलिए अगर समय नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, समय की वैल्यू वही समझता है। अगर समय नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट डिसीजन ले, साइन कर, आइटम बता कौन सा चाहिए, और तुरंत बिजनेस शुरू कर। और 1 साल के बाद बोलना डार्लिंग को, बीवी को, मुझे नहीं डार्लिंग, टाइम ही टाइम, बोल कहाँ चलना है। सही है।